जैसा कि आपको पता है मैं कितना बड़ा फूडी हूँ, अगर मुझे कोई ऐसी जगह मिलती है ना कि मैं आपको बता सकूं कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि बैठने की सही व्यवस्था हो, फूड का टेस्ट अच्छा हो, स्ट्रीट फूड हो, चाहे हमने ढाबे का वीडियो बनाया है, चाहे किसी रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया है, सारा आपके लिए मतलब बिल्कुल जैम जो वीडियो होता है ना वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज की प्लेस अगर मैं आपको बता दूंगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ जयपुर के जस्ट ईट नाम की लोकेशन पर, जो कि जयपुर में जो रिद्धि सिद्धि सर्किल है वहाँ पर ये प्लेस है। अंदर 20 से 22 शॉप्स हैं, पूरे स्ट्रीट फूड का, नॉर्थ इंडियन फूड का, साउथ इंडियन फूड का आपको एक जगह ही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल खमंगड़ी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका हूँ हमेशा की तरह इस बार भी एक आपके लिए स्पेशल फूड वीडियो, जिस वीडियो में आज के हम बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट ईट जो नाम की लोकेशन है उसके बारे में। हम आपको बताने वाले हैं कि मेरे को तो क्योंकि मेरे जो आसपास ही घर के आसपास ही लोकेशन है, तो मैं इस जो इस प्लेस का वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था, पर आज सोचा कि आज बना ही चलने दो यार, क्योंकि आपको अभी हम ढाबे का वीडियो शूट किया है, इसके बाद ये वाला वीडियो शूट किया है और हमारी आगे भी कई सारी फूड वीडियो आने वाली। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। तो आप थोड़ा सा आगे आइए, देखिए अभी इसके अंदर हम जाने वाले हैं, इसके अंदर जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं उनका सबके एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको पर जो पर्टिकुलर शॉप है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, चलते हैं अंदर, करते हैं एक्सप्लोर। तो दोस्तों यदि हम एड्रेस की बात करें तो देखिए रिद्धि सिद्धि स्वीट्स है, वो रेड लाइट है रिद्धि सिद्धि स्वीट्स की, और थोड़ा सा आप 100-200 मीटर चल के आएंगे तो आपको ये जस्ट ईट नाम का जो ये है फूड जंक्शन आप बोल सकते हैं जस्ट ईट नाम का, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यदि एड्रेस में कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सारा एड्रेस वगैरह है वो सारा मैं डाल दूंगा, ताकि आप जब भी आए ना मेरी रिकमेंडेशन पे तो आपको एड्रेस की तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अभी हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और अभी हम आपको एक एक शॉप के अंदर ले जाके बताने वाले हैं कि क्या है। तो अभी जो वीडियो है हम जो है चाय की दुकान से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चाय मेरा मतलब चाय का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो थोड़ा सा आइए अभी हम चाय की दुकान से हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, चाय पीते पीते वीडियो के जो श्री गणेश है हम चाय से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चाय पीते हैं और आपको चाय पी के बताते हैं। अभी हम हैं, अभी आपकी शॉप का नाम क्या है? ब्रजवासी कैफे में अभी हम हैं, और सबसे स्पेशल चाय कौन सी है यहाँ की? कुल्लड़ केसर चाय। तो अभी हम कुल्लड़ केसर चाय पी के आपको सबसे पहले चाय पी के बताने वाले हैं। जब आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट शॉप ही इनकी पड़ती है, तो अभी हम बताने वाले हैं आपको कुल्लड़ केसर चाय का टेस्ट कैसा चलता है। भैया एक बार मुझे चाय लगा के दीजिए आपकी कुल्लड़ केसर चाय, और मैं आपको पी के बताने वाला हूँ, क्योंकि चाय का भैया मैं भरी गर्मी में मैं चाय पी सकता हूँ, इतना चाय का शौकीन मैं हूँ। देख सकते हैं इसमें जो केसर है वो डाल दिया है भैया ने, और अब हम केसर की चाय पीने वाले हैं। तो दोस्तों आपको भी चाय पीनी तो आप आ सकते हैं, एक बार चाय का सिप लेके मैं बताता हूँ कि कैसी चाय भैया ने बनाई है। आहा मज़ा आ गया भैया चाय पी के तो, क्योंकि ऐसी चाय मतलब अगर मिल जाए ना आपका पूरा दिन बन जाता है अभी तो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पाव भाजी खानी है ना तो सबसे बेस्ट शॉप मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट ईट में। जब आप आते हैं तो आप एक बार नाम दिखा दीजिए, जय श्री श्याम पाव भाजी के नाम से इनकी शॉप है। अभी हम अंदर चलने वाले हैं और अंदर चल के आपको थोड़ी सी मेकिंग भी बता देते हैं, क्योंकि अभी जो है इन्होंने स्टार्ट ही किया है, क्योंकि 5 से 6 बजे के करीब ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8 बजे तक आप मेरे पीछे जितने भी ये शॉप देख रहे हैं, जितने भी ये चेयर्स देख रहे हैं सारी आपको फुल मिलने वाली है। अभी हमारी चाय भी साथ चलेगी, पाव भाजी भी आपको दिखाने वाला है। थोड़ा सा आप अंदर आइए तो हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से हम आपको जितना दिखा सकते हैं ना उतना हम ज़रूर आपको दिखाने वाले हैं। अंकल जी नमस्कार। तो अभी कितने प्लेट के लिए वो अभी जो पाव भाजी जो भाजी बन रही है वो कितने प्लेट के लिए बन रही है? ये तो 50-60 के लिए है, वैसे 200-300 बिकती है। अच्छा अच्छा 50-60 के लिए है, तो एक बार आप हमें बताएंगे कि ये देखिए अभी ये तैयार भाजी है, और अभी जो तवे पे है आप मेरे को एक बार देंगे, देखिए जो तवे के ऊपर भाजी है एक बार आप अंकल मेरे को थोड़ा सा आने देंगे। ये देखिए ये तवे के ऊपर अभी इन्होंने ये भाजी है जो यहाँ पर ये लगा रखी है,
पाव यहाँ पर सीख रहे हैं और काफ़ी क्वांटिटी में पाव आगे भी रखे हैं और ये जो तैयार भाजी है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक प्लेट की प्राइस कितनी होती है? 80 रुपये जो उसमें प्राइस होती है। तो उसमें क्या क्या आप देते हैं? चटनी, प्याज, नींबू, मिर्ची के टिकोरे। अच्छा, और भाजी, पाव। पाव कितने देते हैं? चार पीस पाव देते हैं 80 रुपये में। और देख लीजिए ये जो एक बार आप भैया एक बार दिखा दीजिए क्या क्या उसमें इंक्लूड रहता है। जो अमूल बटर डालते हैं आप, ठीक है। तो देखिए एक जो पाव भाजी की प्लेट है अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बनने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा जो भाजी यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो तैयार की जा रही है ना, तो आप जब भी कभी जस्ट ईट में आएँ तो आपको सेकंड शॉप ये मिल जाएगी। एक पाव भाजी की प्लेट में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ये भाजी है, ये चटनी है, ये पाव है और ये अमूल बटर आपको ये डाल के सर्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कि अगर कभी आप फैमिली वगैरह के साथ आते हैं तो आपको देखो सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको पीछे है ही। अभी देखिए यहाँ पर अभी हम जो थर्ड शॉप पर आए हैं ये वैष्णव स्वामी साउथ इंडियन शॉप के नाम से इनकी शॉप है। थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि किस लार्ज स्केल पर ये लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 बजे तक है ना, 8 बजे तक ये पूरा जो हॉल है जस्ट ईट का वो फुलफिल हो जाता है। अभी थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने क्या है कि हम आपको एक एक चीज़ इसलिए बताते हैं ताकि आप जब भी आए ना आपको, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी देख लीजिए ये क्या है भैया? ये सांभर है। सांभर की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अभी जो जो कस्टमर है, जो गेस्ट है, वो शाम तक फुटफॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि आज है दिन संडे का। संडे के दिन लोग वहाँ निकलते हैं अपनी फैमिली के साथ और सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन फूड की जो डिमांड रहती है फैमिलीज में वो भी रहती है। सकते हैं अभी जो है ये फ्राइड इडली की जो प्लेट है वो यहाँ पर लग रही है, इसमें नारियल की चटनी जा चुकी है, इसमें ये जो लाल चटनी है वो जा चुकी है और ये जो इडली फ्राइड की थी वो भी यहाँ पर इन्होंने ये डाल दी। और देखो कितना बढ़िया जो ये लग रहा है, इसका फ्लेवर देख सकते हैं आप और इसकी जो गार्निशिंग है वो कैसे की गई है। और अभी इसमें ये सांभर भी डल चुका है। अभी देखिए क्योंकि अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है एक लार्ज स्केल पर ये जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर की जाती है। देख सकते हैं आपको ये एंगल मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि पीछे कितनी सारी शॉप्स हैं, हर फूड आइटम की, हर स्ट्रीट फूड की आपको यहाँ पर जो शॉप है मिलने वाली है। कभी आप यहाँ पर आते हैं तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का आपको आइडिया हो जाए, एम्बियंस का आपको आइडिया हो जाए। और अभी हम जितना हमसे हो सकता है ना उतना हम आपको एक एक शॉप के अंदर ले जाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्पेशलिटी यहाँ पर आपको मिलती है। तो दोस्तों जब बारी आती है आइसक्रीम, मॉकटेल्स वगैरह की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप अंदर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इस शॉप पर आते हैं ना तो आपको हर तरीके की जो मॉकटेल्स है, कुल्फी है, आइसक्रीम है, फलूदा है, इन भैया के पास आपको मिलने वाला। भैया एक बार आपकी शॉप का नाम बता दीजिए, क्या नाम से आपकी शॉप है? शॉप का नाम है द फ्लेवर्स। द फ्लेवर्स है तो आपके पास अगर यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा पीछे नज़ारा भी दिखा दीजिए, इनकी जो शॉप है आप जस्ट सामने आएंगे ना तो आपको फ्लेवर्स नाम से मिल जाएगी। तो भैया क्या क्या आप अवेलेबल करवा देते हैं आप? हमारे पास एनी टाइम फलूदा अवेलेबल रहता है। अच्छा, इसमें काफ़ी वैरायटी है, फलूदा में भी कई फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग फलूदा है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास क्वालिटी वॉल्स का खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अच्छा, इसमें हम होलसेल भी हमारा जो अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और रिटेल में आप यहाँ खाना चाहते हैं तो आपसे। तो यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे हॉट सेलिंग जो आइटम रहता है आपकी शॉप का वो क्या रहता है, मतलब जो सबसे ज्यादा सेल होता है? हमारी शॉप का मेन है फलूदा। अच्छा, जिसमें काफी सारी वैरायटी और मॉकटेल्स और फलूदा है, सबसे ज्यादा रहती है हमारी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुल्फी में भी काफी सारे फ्लेवर्स रहते हैं, जैसे केसर कुल्फी है, रबड़ी कुल्फी है, पान है, सीताफल है, रोज है, इनमें भी काफी। अच्छा, वैरायटी है। तो दोस्तों कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपको जो आइसक्रीम है उसके ऊपर आपको जो आइसक्रीम में कोई सा भी फ्लेवर चाहिए हो, मॉकटेल्स चाहिए हो, कितने तरीके की मॉकटेल्स आपके पास? 15 तरीके की मॉकटेल्स हैं। तो 15 तरीके की मॉकटेल्स और हर जो रबड़ी फलूदा आइसक्रीम वगैरह आप इस शॉप पर आकर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने महावीर रबड़ी भंडार आ चुके हैं और महावीर रबड़ी भंडार में आपको जो आइटम मिलता है वो मिलता है, देखिए आप जो देख सकते हैं आलू प्याज पनीर की सब्जी मिलती है। थोड़ा सा मैं आपको अंदर ले जाके बताने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आलू प्याज पनीर की सब्जी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और ये दाल आपको मिल जाएगी, बाटी मिल जाएगी, गुलाब जामुन मिल जाएंगे, और ये चूरमा जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
तो आप जब भी जस्ट एक जंक्शन फूड जंक्शन आते हैं तो आप एक बार ये महावीर रबड़ी भंडार जरूर आके देखिए। आपको जो राजस्थानी टेस्ट के साथ जो एथनिक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी शाम के 8-8:30 बजे का सीन, आप ये जो है ये जो जस्ट ईट जंक्शन है वहाँ का आप सीन देख सकते हैं। कम से कम यहाँ पर 200 से 300 लोग अभी बैठे हुए हैं। ये तो अभी देखिए जैसे वीकेंड होता है तो वहाँ पर ऐसे भीड़ जो अनुमान लगी रहती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले का शॉट लिया था उसमें आप ये सारी दुकानें खाली देखेंगे, बट अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीन चेंज हो चुका है। यदि भी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो MISTER_Jaipur के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर मैं जो रॉ फुटेज होता है, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट होती है वो डालते रहता हूँ। तो अभी आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको वहाँ पर भी मिलता रहता है। कोई वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही चटपटे फूड ब्लॉग्स जो फूड वीडियो हैं वो इस चैनल पर आते रहते हैं। और लाल कलर के बटन को दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट और ऐसे फूड वीडियो जो रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबा होता है, जो स्ट्रीट फूड होता है वो आपको मेरे चैनल पर मिलता रहे। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।